नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, दिल को चंगा कर देने वाली खबर आज लीबिया से निकलकर सामने आ रही है। 7 भारतीय लीबिया में फंसे हुए थे, उनका किडनैपिंग हो चुकी थी लीबिया में, लेकिन उन 7 लोगों को बचाने के लिए और वापस भारत लाने के लिए जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने एडी से चोटी का जोर लगा दिया। दोस्तों, ये 7 आदमी भारत के आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इस कड़ी में इन 7 लोगों को भारत की सरकार ने बचाने के लिए जो काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और आप भी इनकी स्टोरी जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 7 भारतीयों को भारत की विदेश मंत्रालय ने किस तरीके से रिहा करवाया है। दरअसल दोस्तों, ये बात है 2015 की, जब भारत ने लीबिया के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी क्योंकि वहां पर लीबिया में संघर्ष चल रहा था लीबिया की सेना और लीबिया की सरकार के बीच। और इसी की कड़ी में 2016 में भारत की सरकार ने लीबिया से ट्रैवल के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया था और ये बैन अभी भी लगा हुआ है। लेकिन इसी की कड़ी में 7 भारतीय वहां पर फंस गए थे, उनका किडनैप हो चुका था क्योंकि वो दूसरे देश के थे और इसी के चलते ये 7 लोगों का किडनैप हुआ, तो आज इनकी रिहाई सामने आ गई है। और ये जो वीडियो में 7 लोग आप देख रहे हैं ये भारतीय लोग हैं। अब जान लेते हैं आखिरकार इन्हें निकाला कैसे गया है। दोस्तों, लीबिया में भारत की कोई भी एम्बेसी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े एक बात हो जाती है कि जहां पर भारत की एम्बेसी ही नहीं है वहां पर भारतीय लोगों को आखिरकार निकाला जाएगा, तो कैसे निकाला जाएगा। इसी की कड़ी में भारतीय मिशन जो कि ट्यूनिशिया में गए हुए हैं और वेलफेयर का काम लीबिया में कर रहे हैं, उन्होंने ये मोर्चा संभाला। अब आखिरकार ट्यूनिशिया पड़ता कहां है, जान लेते हैं गूगल मैप से। दोस्तों, ये है प्यारा भारत और इसी के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर सफ़र तय करते हैं। ये आता है लीबिया और ये है ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया और लीबिया के बॉर्डर साझा होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भारत के एक वेलफेयर वर्क हो रहे हैं ट्यूनिशिया में, वहाँ से लीबिया जाया जा सकता है। और इसी की कड़ी में ही भारत के जो एक स्पेशल एनवॉय थे वो एक वहाँ पर गए और इन 7 लोगों को निकालने के लिए उन्होंने जो लीबिया की गवर्नमेंट है उनसे संपर्क साधा। हालाँकि ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि इसे करने के लिए जो एक बहुत लंबा समय चला गया, लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह है कि अब ये 7 भारतीय बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत जल्द अगर ये भारत आना चाहेंगे तो इन्हें भारत भी लाया जाएगा। और दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है सुनराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी इनकी जानकारी के बारे में अभी हफ्ता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी थी। और दोस्तों, भारत के ट्यूनिशिया से लीबिया तक इन 7 लोगों को बचाने का जो काम भारत सरकार ने किया है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है और इसकी प्रशंसा आज की ही जानी चाहिए।